चुपचाप जाने के लिए थोड़ी आए हो मेरी जान। बेटा मुझे कुंग फू कराटे भी आते हैं। जाफर मैं नहीं बिसाई के बारे में ऐसा सोच सकता। तोबा तोबा, ऐसा ना करो, सही तरह करो। कैसे करते हैं सही? कुसन तेरा को चवले नाम आ रहे छोटे सही। अब जाओ ना उस नशेरमा गजनवी और गामा नान टिक्की वाले के पास। योगा में आ तेरी नान टिक्की। और यार मैंने आपको बोला ना हमारी टिक्कियां यहाँ पर रखे, ज्यादा सेल होंगी। एक मिनट। हेलो जाफर जी। सलाम अलैकुम बीबी साईं। वालेकुम सलाम। गजनवी कहाँ है? मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे मेरा। तो आप मिस कॉल मार रही होंगी ना, पूरी कॉल करें फिर कॉल उठाएंगे। आप हो ही कंजूस, कभी बैलेंस ही नहीं करवाती। ओहो मैंने अभी पैकेज लगवाया है इसलिए तुम्हें कॉल किया, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ मर गए हैं। ओहो बीबी साईं क्या हो गया है? आपका शोहर है, थोड़ा सा प्यार से बोले। मेरा शोहर है ना, तुम्हारा तो नहीं, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा शोहर, मेरा मतलब तुम्हारे साहब कहाँ है? वो बीबी साईं गजनवी साहब जरा मीटिंग में मसरूफ है। बात करवाना जरा। हाँ बीबी साईं मैंने बोला ना, वो साइड पर होके क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखो जाफर मुझे सही सही बताना, मुझे उन पे शक होने लग गया है। देखो जाफर वो कहीं किसी और लड़की के साथ तो नहीं बातें करने लग गए? अरे बीबी साईं कैसी बात कर रही हैं, मेरे छोटे साईं ऐसे नहीं है। जाफर मुझे नहीं पता, मेरी बात करवाओ गजनवी से। हेलो हेलो बीबी साईं मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जाफर अब तुम जानबूझकर ऐसा ना करो। नहीं बीबी साईं मैं सच बोल रहा हूँ, अब आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ये क्लाइंट ऊंची आवाज में बोली जा रहा है। हेलो हेलो हेलो। योगा में आ तेरी नाटकी। छोटे साईं वो बीबी साईं का फोन आया था। उसने तुम्हें क्यों फोन किया, मुझे फोन करती? जाफर लाहौला वाला कुवता। छोटे साईं आप ही ऐसा सोचते हैं, मैं नहीं बीबी साईं के बारे में ऐसा सोच सकता। तोबा तोबा, ऐसा ना करो, सही तरह करो। कैसे करते हैं सही? कुसन तेरा को चवले नाम आ रहे छोटे साईं। योगा में आ भाई घर तो बहुत प्यारा है। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बिल्कुल, तुम्हें याद है तुम मुझे कितना प्यार करती थी और हमेशा कहा करती थी कि मर्द का काम ही सब कुछ होता है, और तुम कहती थी कि कोई अच्छी सी जॉब होनी चाहिए ताकि मियाँ बीवी की लाइफ अच्छी गुजर सके। और अब तुमने एक नानटी की भेजने वाले से शादी कर ली। मैं देर आई दुरुस्त आई, पहले मुझे जॉब करने वाला अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे बिजनेस की असली वैल्यू पता लग गई है। बिजनेस चाहे छोटा क्यों ना हो अपना होना चाहिए। तो तुम्हारा मतलब ये नान टिक्की भेजना बिजनेस है? हाँ, सर के आगे खड़े होकर यस सर करने से तो बहुत बेहतर है। दुआ दुआ, तुम कभी नहीं समझ सकती, अभी भी टाइम है, मेरे साथ शादी कर लो, मैं एक अच्छी जगह जॉब करता हूँ। सरफराज चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चुपचाप जाने के लिए थोड़ी आए हो मेरी जान। क्या कहा तुमने? मेरी जान। बेटा मुझे कुंग फू कराटे भी आते हैं। वो साईं घर चलते हैं अब, बीबी साईं अकेली घर में है और सुना है सरफराज उन्हें छेड़ के गया है अभी। जाफर मेरे साथ रेस लगाओ पहले। ओ साईं ओ वाकया साईं। सरफराज धोखेबाज भाई निकलो सरफराज। बेटा ऐसे नहीं बोलते,
तमीज से बोलो, शोहर है तुम्हारा। शोहर? शोहर जब किसी और औरत को फंसाने के चक्कर में हो ना तो वो शोहर नहीं रहता, बगैरत बन जाता है। और आज मैं इस बगैरत को नहीं छोड़ूंगी। सरफराज बाहर निकलो। ओहो हुआ क्या है बेटा, किस औरत को छेड़ दिया फराज ने? मुझे तो बताओ मेरे बेटे ने किसको छेड़ा है? आपके बेटे ने मेरी बहन दुआ को छेड़ा है। ओहो ये तो घर की बात हुई, मुझे लगा बाहर मोहल्ले में किसी को छेड़ दिया इसने। दुआ तो अपनी बच्ची है, इसकी खैर है। अंकल मुझे तो आपकी नींद भी ठीक नहीं लग रही। हाँ भाई क्या हुआ है? ला 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 ला। आगे तुम बेशर्म इंसान, तुम्हें मेरी बहन को छेड़ते हुए ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे पास पहले से एक प्यारी बीवी है? रिजा एक थप्पड़ चाहे और मार लो, लेकिन अपने आप को प्यारी मत कहो, प्यारी तो दुआ है। देखा आपने अंकल, ये फिर से वही हरकतें कर रहा है, आप हटाए ना इसे। बेटा वैसे बात तो ये सही कर रहा है। हाय रब्बा, ये दोनों बाप बेटे मेरी बहन के पीछे पड़ गए। सरफराज अब तुम अपनी बीवी छोड़ के इसकी बहन को पसंद करने लग पड़े हो? नहीं नहीं अब्बा, अब इसकी किस्मत में कोहिनूर का हीरा कहा। पहले प्यार करता था मैं इससे, लेकिन अब इसकी किस्मत में गजनवी नानटी की वाला ही ठीक है। अब जाओ ना उस नुशेरमा गजनवी और गामा नानटी की वाले के पास। बेटा ये क्या? चुप कर। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे खिलाफ मेरी बीवी के सामने बातें करोगे और मैं चुप रहूंगा? मेरी बीवी के बारे में चाहे जो मर्जी बोलो, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ मत बोलना। गजनवी ये मुझे छेड़ा था। ओए मेरे खिलाफ एक लफज मत बोली। गजनवी मेरे बारे में बोलो। हाँ यार इसे भी कुछ मत कहना। चलो ठीक है कोई इशू नहीं, एमी फजूल में गोलियां जाया होंगी। मुझे पता है ये नकली है। छोड़ यार। चलो भाई घर चले। आओ फिजा चले, इधर ही तुम्हारी बात मन ली, बहुत गैरत मानता तुम्हारा बहनोई। अब्बा अब्बा क्या हुआ अब्बा? नाड़ पे नाड़ चढ़ गई। अब्बा तो खाएं किधर है, मैं तो बताता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरा बचाव करने की बजाय फराज से अपनी वजह से लड़ने लग जाएंगे। चलो कुछ नहीं होता। क्या कुछ नहीं होता? आपने देखा नहीं फराज किस तरह मुझे तंग करता है, और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। आप उसको यही बोलते रहे कि वो आपको कुछ बुरा ना बोले, मेरी खैर है। अरे मेरा ये मतलब नहीं था दुआ, तुम्हें पता ही है मेरी लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं होती। नौशेरवा गजनवी जब किसी के साथ लड़ता है तो वो सिर्फ थप्पड़ों तक बात नहीं रोकता, बात बहुत आगे तक निकल जाती है। और फराज तो मेरे आगे एक चूजा है, मैं चाहता तो उसे एक थप्पड़ मार के मार सकता था। बस करो, एडे गामे पहलवान तुसी लेंदे नहीं। अगर आपकी जगह मैं मर्द होती ना तो। दुआ अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं फराज को नहीं छोड़ूंगा। गजनवी अब कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है। गजनवी आप इंतहाई डरपोक आदमी है। दुआ अभी तुमने बोला है कोई फायदा नहीं लड़ने का। वाह बड़ी बात मानी है मेरी। तेरी नाटकी नाटकी योगा में आ।